मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। किसान के बेटे हैं आईपीएस विनय तिवारी, अब सुशांत सिंह राजपूत के केस के ऊपर रखेंगे नजर। चलिए जानते हैं कौन है ये एक्चुअली में विनय तिवारी, जिनके बारे में सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। हालांकि हम लोग आपको बता दें कि इनकी चर्चा हमेशा से बनी पड़ी है, क्योंकि ये काफी अच्छे अच्छे काम करते हैं, इसीलिए इस केस में इनका नाम काफी ज्यादा बुलंदियों पे जा रहा है और बोला जा रहा है कि इस केस को सॉल्व किया जाएगा जल्द से जल्द। और इसमें एक्चुअली में इस केस ने आग भी पकड़ ली है और काफी सारे ऐसे सबूत जो हैं वो यूपी पुलिस के हाथ भी लग चुके हैं। चलिए हम आपको देते हैं पूरी अपडेट, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो कि आप लोग को पता है कि यूपी पुलिस जो कि 25 जुलाई को एक्चुअली में जो सुशांत जी के पिताजी है के सिंह, उन्होंने पटना पुलिस में वहां पर पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनके बेटे ने सुसाइड नहीं किया है, इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है। रिया चक्रवर्ती का नाम काफी सारे लोगों का नाम आया। उस दौरान ही पटना पुलिस, बिहार पुलिस जो है उन्होंने उनकी चार लोगों की एक टीम मुंबई पहुंची। वहां पर जाके काफी ज्यादा चीजों से उन्होंने काफी सारी बातें निकाली, काफी सारे प्रूफ निकाले, काफी सारे लोगों से बात की। पर यह भी बोला जाता है कि मुंबई पुलिस जो है वो यूपी पुलिस का साथ नहीं दे रही है और सहयोग नहीं कर रही है। उसी दौरान ही जो कि आईपीएस विनय तिवारी हैं वो भी वहां पर पहुंचे और ये भी खबरें आ रही थी कि बीएमसी ने उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया है और उनका कहना यह है कि एयरपोर्ट से जो भी आता है उनको क्वारंटीन करना पड़ता है। हालांकि इसके बारे में अपडेट्स नहीं आई हैं। इस दौरान ही हम आपको बता दें कि जो आईपीएस विनय तिवारी हैं ये बिहार के हैं और उस दौरान ही ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसीलिए आईपीएस ऑफिसर है और इनको देखरेख के लिए सुशांत जी के केस के लिए वहां पर बुलाया गया है। जब इनसे बात की गई तब इन्होंने ये चीज बताया है कि कोई बड़ा ऑफिसर चाहिए था वहां पर, तो मैंने सोचा कि मुझे भी जाना चाहिए और अपने सीनियर से बात की और मुझे वहां पर जाने का मौका मिला और ये केस काफी जल्दी सॉल्व होता हुआ भी दिखाई दे रहा है और जो बिहार पुलिस है वो काफी अच्छा काम कर रही है, पर मुझे जाना भी वहां पर काफी ज्यादा जरूरी था। जो कि आईपीएस ऑफिसर जो कि विनय तिवारी है, इनके जो पिताजी है वो एक किसान है और उस दौरान ही उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की इनको पढ़ाने के लिए। ये एक्चुअली इंजीनियर बनना चाहते थे और इन्होंने इंजीनियरिंग भी कंप्लीट की, डिग्री भी ली, पर उसके बाद इनको लगा कि इनके जो पिताजी हैं, इनके पिताजी ने काफी ज्यादा संघर्ष किया है अपनी जो कि फ्यूचर है उसको सिक्योर करने के लिए, फैमिली को सिक्योर करने के लिए इन्होंने अपनी जितनी भी रुचि थी वो पढ़ाई में लगा दी। हालांकि इनको पढ़ाई में काफी ज्यादा शौक नहीं था, पर पिताजी के संघर्ष को देखते हुए इनके पढ़ाई में इनको रुचि हुई और इन्होंने आईपीएस ऑफिसर बनने की ठान ली। आईपीएस ऑफिसर भी ये बन गए जैसे कि आप लोगों को पता ही है। और उस दौरान ही ये भी चीज बताया जा रहा है कि 2015 बैच के हैं ये आईपीएस अधिकारी और इनके लिए काफी सारे ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं, फेसबुक पे काफी सारी कविताएं लिखती हैं, काफी सारी चीजें पोस्ट करते हैं। हाल ही में ही कोरोना वॉरियर्स के लिए इन्होंने कविता लिखी थी, कोरोना जो कि पेशेंट्स है उनके लिए कविता लिखी थी जो कि सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हुई थी। तो आई होप गाइस आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा कि ये जो आईपीएस ऑफिसर है ये वहां पर पहुंची है, बिहार पुलिस वहां पर पहुंची है, तो शायद इस केस में कुछ ना कुछ हाथ लगे, शायद हम लोगों को सच्चाई का जो चेहरा है वो नजर आए जल्द से जल्द। हम आशा ऐसे ही करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा ही सब चीजें हो तो कमेंट बॉक्स में बिहार पुलिस करके कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।